वेलकम गाइस, चलिए आज हम शुरू करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक। टाइटल में तो आपने पढ़ लिया है, मगर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं है क्या क्या है। ये एक यूजुअली इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक जो बहुत ही पॉपुलर है, और वो इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक पे हम बहुत ही इजी तरीके से बहुत लोग थ्री स्टार हो जाता है वार में, ये सब में सब में। इस चीज़ को कभी कभी कोई कोई जगह पे बिगड़ भी जाता है, मेरे से भी, आपसे भी, किसी से भी, चाहे वो कितना भी प्रो प्लेयर हो, वो बिगड़ना तय है। तो आज हम देखेंगे कुछ कुछ कारण जिसके कारण ये बिगड़ जाता है। तो रीजंस हम आपको दिखाते रहेंगे। आज मैं जिस क्लैन में हूँ, मेरा क्लैन का नाम है स्पार्टिकस। स्पार्टिकस इज़ इस क्लैन में मैं कितने दिन, मेरे ख्याल से 10-15 दिन से हूँ, बट नहीं 10-15 दो तीन महीने से हूँ मैं इस क्लैन में। तो आज कुछ अटैक देखेंगे। जिस ये जो वार के बारे में कह रहा हूँ, ये वार में अपने हार चुके हैं थे, तो दैट्स फाइन। लेकिन हम लोगों ने कुछ, मतलब स्पार्टिकस ने कुछ अटैक किया था, जिस अटैक में थ्री स्टार नहीं हो पाया था। और ये तो मेरा आपसे वादा है कि हम आपको वही अटैक दिखाएंगे जो थ्री स्टार नहीं हो। हमको थ्री स्टार अटैक से कोई मतलब है ही नहीं। तो चलिए शुरू वाला सबसे पहला एक देख लेते हैं, अन्ना जी का। अन्ना जी ने इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक किया है एक नंबर पे। बेसिकली फनलिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हम आपको, आप देखिए तो आपको पता लगेगा कि बेबी ड्रैगन यहाँ पे 3 o'clock में डाला हुआ है, 6 o'clock to 3 o'clock में, not 3 actually, 9 o'clock। तो 6 o'clock to 9 o'clock से जा रहा है, और to some extent ठीक है। एक इलेक्ट्रो ड्रैगन 9 o'clock में बिखर चुका है, 2 एक्चुअली, और अभी फ्रीज एक डाला गया है जहाँ पे स्कैटर शॉट में काफ़ी जल्दीबाजी में स्पेल्स यूज़ किया हुआ है। और इस स्पेल्स में आप देखिए, किंग का डिप्लॉयमेंट देखिएगा, हीरोज़ का डिप्लॉयमेंट देखिएगा, देखिए ज़रा 12 o'clock से 6 o'clock, विच इज़ अननेसेसरी, इतना ज़रूरत ही नहीं था, मतलब इतना दूर का फनल बनाना ही नहीं है। फनल हैज़ टू बी फ्रॉम वन एंड। तो एक 12 o'clock में जा रहा है, एक 3 o'clock में जा रहा है, एक 9 o'clock में जा रहा है, चारों तरफ से सारा आर्मी इधर उधर स्प्रेड हो रहा है, विच इज़ ऑफ नो यूज़। तो ये थैंक गॉड बैटल ब्लिंप है। अब ये तो थ्री स्टार नहीं हो सकता। सिंपल रीज़न, इतना स्पोरैडिकली, यू हैड टू चूज़ वन साइड, आपको एक साइड चूज़ करके अटैक शुरू करना है। आप चारों तरफ से अटैक शुरू कर सकते हैं, स्पेशली इन इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक में देर हैज़ टू बी अ पाथ, मतलब एक पाथ में जाएगा, एक सीरीज में जाएगा, तो दैट मेक सेंस। तो चलिए फर्स्ट अटैक हमने देख लिया है। एनएकन जी का अटैक भी आपका इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक है, जो नंबर 2 पे किया गया है। और इसका आप देखिए तो मैं आपको बताएंगे इसका प्रॉब्लम क्या है। उसमें तो आपने देखा फनल, तो एक चीज़ याद रखिए, फनलिंग प्रॉपर होना चाहिए इसका। देखिए फनल कितना प्रॉपर है, 9 to 6 to 9 में परफेक्टली डिप्लॉयड, सारा चीज़ एक साथ जा रहा है। अब आप देखिए ये कैसे बिगड़ जाता है चीज़, यहाँ से
कोई भी मतलब फ्रीज यूसेज ऑफ फ्रीज बुरा नहीं है टू बी ऑनेस्ट. इतनी देर तक किंग मतलब हीरोज को होल्ड कर देना, स्कैटर शॉट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, कभी कभार स्कैटर शॉट इधर उधर हो रहा है, अरे तो एयर स्वीपर इस पूरे खेल को बिगाड़ देगा. और ये एयर स्वीपर है एग्जैक्टली स्कैटर शॉट के बगल में, आपको एक फ्रीज रखना था ये पूरे एरिया को फ्रीज करने के लिए. अगर आप इस पूरे एरिया को फ्रीज कर दिए होते तो ये थ्री स्टार कोई नहीं रोक सकता. इट वॉज ए परफेक्ट थ्री स्टार. क्या आपने ये गलती कभी नहीं किया? मैंने बहुत बार किया है. आपने मतलब आई कांट काउंट मैं कितनी बार कर चुका हूँ ये गलती. मेरे ख्याल से आपसे भी ज़रूर हो गया होगा और इसके आगे भी ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया हुआ है. और अगर आप मेरी ये सारी मिस्टेक्स वाले वीडियो अगर आप वार देखने से वार में जाने से पहले एक बार देख लें तो कम से कम ये पॉइंट याद रहेगा कि क्या मिस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सब. अच्छा तो अब जो है अब मैं आई विल गो बैक और बाहर जाके मैं दूसरे वाले वार का एक अटैक आपको दिखाऊंगा और वो है ये वाला इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक है. अगेन ऑपोजिट साइड से नहीं शुरू किया गया है, सामने की तरफ से शुरू किया गया है. आई मीन टाउन हॉल की तरफ से फ्रॉम 12 to 3 में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है बिकॉज स्पेशली टीजर बेस में जो ये टीजर बेस है इसमें थोड़ा सा रिस्क इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एकदम पूरी तरह से हिट खा जाते हैं इस तरफ से. और यूजुअली जो टीजर बेस रखता है वो मिडिल में ही ईगल आर्टिलरी रखता है और वो ईगल आर्टिलरी आपको बहुत तंग करने वाला है. फ्रीज नॉट करेक्टली यूज्ड, फ्रीज स्पेशली यूज किया जा रहा है आपके स्कैटर शॉट को नहीं छोड़ते. जो देखिए मार रहा है स्कैटर शॉट लेकिन स्कैटर शॉट में हमारा कुछ ध्यान है ही नहीं. हीरो डिप्लॉयमेंट बहुत ही लेट, जब सब कुछ सब इलेक्ट्रो ड्रैगन मर चुका है तब. ये इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक आप इस तरह से ना करें. आप यूजुअली आप इफ़ यू ट्राई टू डू इट फ्रॉम 6 o'clock, अगर इस तरह का बेस में अगर 6 o'clock टू 3 o'clock टू 6 o'clock में अगर आप डिप्लॉय कर रहे हैं और हीरो वगैरह सारा एक साथ कीजिए और रॉयल चैम्पियन को अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं और रॉयल चैम्पियन को होल्ड कीजिए. 12 o'clock टू टीजर बेस स्पेशली इस काइंड का टीजर बेस में 12 o'clock टू 3 o'clock का कोई सच ज़रूरत है ही नहीं. मतलब यू बिकमिंग मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कैसे भी मेरे को टाउन हॉल चाहिए ही. टाउन हॉल आ जाएगा अपने आप में बिकॉज वो जब सारा डिफेंस ख़त्म हो जाएगा तो टाउन हॉल में आपके पास ब्लिंप है ही ना, तो आप ब्लिंप यूज़ कीजिए. और अगर मैक्सिमम ये है तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अगर बैटल ब्लिंप का ऑप्शन है तो बैटल ब्लिंप भी यूज़ कीजिए. लेकिन उस तरफ से अटैक मत कीजिए क्योंकि उस तरफ से टाउन हॉल की तरफ से अटैक मत कीजिए बिकॉज दैट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ इट इज विल बी गेटिंग अफेक्टेड. सो दिस इज ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है. अब मैं लेकिन ये गलती मैं आप हर कोई करते और ये बहुत बहुत नॉर्मल गलती है. मैं शायद एक मिनट मेरे ख्याल से ये है और एक इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक जो बुरी तरह से फेल हो चुका है और ये फेल होते वक्त ये एग्जैक्टली सेम गलती. डिप्लॉयमेंट देखिए परफेक्ट था, स्पेल यूसेज बहुत ही ख़राब
और अगर आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रोड्रैगन, ये शुरू में तो सब कुछ सही था, जब जब बात आ गया थोड़ी देर के लिए, अब देखिए स्पेल, यहाँ पे एक स्पेल चाहिए, फ्रीज चाहिए था जो नहीं डाला। डिप्लॉयमेंट और स्वीपर कैसे काम खराब करेगा, लुक इन टू दिस स्वीपर, मिडिल वाला स्वीपर को, ये स्वीपर पूरा के गेम को खराब कर देगा। ये एक भी इलेक्ट्रो ड्रैगन इससे ज़्यादा इससे आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाए। फ्रीज यूज़ करना है इस जगह में, फ्रीज, दिस इज़ द प्लेस वेयर आपको फ्रीज यूज़ करना है। आप इसमें फ्रीज ज़रूर ढंग से यूज़ करें, नहीं तो फिर ये बात खराब होती है। ये ही एग्जैक्टली आपको फ्रीज इज़ अनदर वन। अगर आप चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है दूसरे साइड से करने का, लेकिन नहीं हुआ, ये काम पूरी तरह से ख़राब हो गया। कुछ कुछ चीज़, इसका मतलब समराइजेशन क्या हुआ, समराइजेशन सबसे पहले फनल परफेक्ट होना चाहिए। इस वार, इस अटैक में फनल परफेक्ट था। इस वार में सबसे ज़्यादा ख़राब क्या था, सबसे ज़्यादा ख़राब ये था कि इसका स्वीपर वगैरह का ध्यान नहीं दिया गया। देर वॉज अनदर ऑप्शन, आप अगर आप 6 o'clock टू 9 o'clock टू 6 o'clock अगर आप अटैक कर रहे हैं तो देर वॉज एन ऑप्शन फॉर दिस, लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। सो दैट्स वन मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक क्या है इसमें, फ्रीज अगर आप यूज़ लेके जा रहे हैं, आप गलत जगह फ्रीज यूज़ कर रहे हैं, जब आपको मालूम चल रहा है कि आप स्वीपर इज़ गिविंग डिफीट टू मैक्सिमम ऑफ योर इलेक्ट्रो ड्रैगन, आप उसको फ्रीज कीजिए, ये नहीं किया गया। सो ये कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं जो आप वार के समय नहीं करना चाहेंगे। बाय द वे, मैं आपको कह रहा था कि ये गलती मैं, आप, हर कोई कर सकता है, और ये अटैक मेरा किया हुआ जो मेरी गलती थी। आपने, आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑप्शंस जो है, आप जितना डिफेक्ट्स आप और मिस्टेक्स देखेंगे, आप उतनी मिस्टेक्स आप उसको रिपीट कम करेंगे। तो 3-star अटैक ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि वो स्किल सेट कहीं पे ना कहीं पे कुछ दूसरा होता है, और कुछ कभी कभार हो जाता है, हम लोग से भी 3-star होता है, लेकिन आप यूजुअली ट्राई कीजिए कि आप देख रहे हैं तो मिस्टेक्स देखिए, जिससे कि आप वो मिस्टेक्स ना दोहराएं। तो आज के लिए हम यहीं पे अलविदा लेंगे, और ये सारे चीज़ आपके कमेंट में मुझे अगर आप बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से हमको थोड़ा सा एनर्जी मिलता है और दूसरा वीडियो बनाना ना, आप हम लोगों से बात कीजिए, कमेंट पड़ा हुआ है, कमेंट कीजिए कि आप और क्या, किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, आप कैसे वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये गलती सारा देखना पसंद करते हैं, या फिर आप 3-star देखना पसंद करते हैं, तो सारा सक्सेसफुल वीडियो देखना पसंद करते हैं, आप हमको ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अलविदा, नमस्ते।